प्रकृति का प्रेमी एक इंसान अपने गार्डन में टहलता है और टहलते वक्त उसे तितली का, जो आपको पता है बटरफ्लाई, उसका एक कोकून खोल दिखाई दिया। अब हर रोज जब भी वो वहां से निकलता उसे देखता तो देखने पर धीरे धीरे बड़ा होता गया और एक दिन उस पर एक छोटा सा छेद बन गया। उसे देखा कि तितली उस खोल से बाहर निकलने की बहुत कोशिश कर रही है, पर बहुत देर तक प्रयास करने के बाद भी वो उस छेद से नहीं निकल पाई तितली। और फिर वो बिल्कुल शांत होकर, मानो उसने हार मान ली हो, ऐसा लगा उस इंसान को। इसीलिए उस आदमी ने निश्चय किया कि वो उस तितली की मदद करेगा। उसने एक छोटी सी कैंची ली और कोकून का आगे का खोल काट दिया, उसे इतना बड़ा कर दिया कि वो तितली आसानी से बाहर निकल सके। और यही हुआ, तितली बिना किसी और संघर्ष के आसानी से बाहर आ गई, पर उसका शरीर सूजा हुआ था और पंख सूखे हुए थे। वो आदमी तितली को ये सोचकर देखता रहा कि वो जल्द ही अपने पंख फैलाकर उड़ने लगेगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि कुछ देर बाद वो तितली मर जाती है। अब देखिए कि जिंदगी जो उसको मिल सकती थी वो उसके खोल खोलने की वजह से वो मर जाती है। वो आदमी अपने दया और जल्दीबाजी में ये नहीं समझ पाया कि दरअसल कोकून से निकलने की प्रक्रिया में प्रकृति ने इतना कठोर इसीलिए बनाया है ताकि ऐसा करने से तितली के शरीर में मौजूद तरल यानी लिक्विड उसके पंखों में पहुंच सके और वो छेद से बाहर निकलने की जो प्रक्रिया है वह पूर्ण कर सके। लेकिन आपने उसको एक कंफर्ट जोन दे दिया जो प्रकृति के विरुद्ध था। अब सीख क्या मिलती है? वास्तव में कभी कभी हमारी जिंदगी में संघर्ष ही वो चीज होती है जिसकी हमें सचमुच आवश्यकता होती है। यदि हम बिना किसी स्ट्रगल के यानी संघर्ष के सब कुछ पाने लगे तो हम भी एक अपंग के समान हो जाएंगे, हैंडीकैप्ट हो सकते हैं जितना हमारी क्षमता है। इसीलिए जीवन में आने वाले कठिन पलों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखिए, वो आपको कुछ ऐसा सिखा देंगे जो आपके जिंदगी की उड़ान को पॉसिबल बना देंगे। अब तो वो जमाना नहीं रहा है, लेकिन पहले जमाने में आपने देखा होगा कि जो डार्क रूम होता था फोटो के लिए, वो नेगेटिव जो है वो डार्क रूम में ही पॉजिटिव बनता था। तो अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में कुछ नेगेटिविटी चल रही है तो आप एक सुनहरे फोटो फ्रेम के रूप में कुछ देर में बाहर निकलेंगे। ये संघर्ष की प्रक्रिया जारी रखो और एक दिन आपके भी पंख निकले और उड़ान आप भरेंगे जरूर। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली, ग्रहों का खेल कार्यक्रम के आज का राशिफल प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चंद सेकंड में आप लोगों के आज के चाहूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग पर। ये 25 सितंबर फ्राइडे शुक्रवार का आप राशिफल देख रहे हैं। आज शाम को 6:43 तक नवमी और बाद में दशमी तिथि रहेगी। आज शाम को 6:30 तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और बाद में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। आज भी कल की तरह सुनफा और गज के इस योग का साथ मिलेगा। वहीं अगर आपकी राशि मेष, कर्क, तुला और मकर है तो शश योग और रोचक योग का लाभ मिलेगा। लेकिन अगर आपकी राशि मिथुन, कन्या, धनु और मीन है तो हंस योग का लाभ मिलेगा। आप इन योगों को नेट पर चेक कर सकते हैं। चंद्रमा धनु राशि में आज पूरे दिन रहेंगे। आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय की तलाश में अगर आप हैं तो उसे नोट करिए। सुबह 8:15 से लेकर 10:15 तक ये लाभ और अमृत का चौघड़िया और बाद में 1:15 से यानी 1:15 से 2:15 तक ये शुभ का चौघड़िया है। वहीं कोशिश करिएगा कि सुबह 10:30 से दोपहर के 12 तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। प्रिय साथियों, घर परिवार में खुशहाली हो, सौभाग्यशाली हो, इसके लिए हम शुक्रवार के दिन क्या उपाय कर सकते हैं 6 राशि के बाद देखिएगा। कल मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था, जब भी हमारे यहाँ शुभ और मांगलिक कार्य होता है हम नारियल क्यों फोड़ते हैं? इसका जवाब मैं कार्यक्रम के अंत में दूंगा, लेकिन अब राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि से। आज चंद्रमा आपको भाग्यशाली बना रहे हैं, भाग्य का सितारा चमकने वाला है। संघर्ष से निकलकर आप एक सफलता प्राप्त करने वाले हैं। व्यवसाय यानी बिजनेस के विस्तार के लिए यह समय कुछ खास नहीं है, बल्कि है उसे मेंटेन करके चलें। बाधाएं और मुश्किलें अब दूर होने लगेगी। आप ऑफिस की गतिविधियों के प्रति आकृष्ट होंगे और आपको कुछ नई जिम्मेदारियां भी दी जा सकती हैं। सोचने की बजाय अपने काम पर अधिक ध्यान केंद्रित करें और स्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में हो ही जाएंगी, ये विश्वास आपको होना चाहिए। आपका आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ेगा। एक बड़ी इच्छा लगभग पूर्णता की तरफ आगे बढ़ रही है और आपको जल्द शुभ समाचार मिलेंगे, लेकिन साइलेंट रहें क्योंकि आपके लिए एक शुभ दिन है, इसलिए आप इसे मौन रहकर जवाब दे सकते हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए एक सकारात्मक दिन है। अपने दिल का बोझ हल्का करने, खुशी को पूरा करने के लिए किसी की सहायता आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी।
छोटे हो या बड़े, भाई हो या बहन, खुशी आप उन्हें देने वाले हैं। पारिवारिक जिंदगी शांतिपूर्वक रहेगी। लव लाइफ और रिलेशनशिप में तनाव को दूर करके वीकेंड को एंजॉय करने की प्लानिंग आपकी चल रही है, जो जरूर हो सकती है। लकी कलर पर्पल, नंबर 5 शुभ रहेंगे। वृषभ राशि, आपके इर्द गिर्द कुछ परिवर्तन हो रहे हैं, कुछ अचानक परिवर्तन होने लग जाएंगे, आप उसे साक्षी भाव से देखिए। हर परिवर्तन रिएक्ट करने के लिए नहीं होता है, लेकिन आपके हिसाब की जो चीज़ है उस पर आप फोकस जरूर करिए। जॉब में अपने द्वारा पूर्व में किए गए किसी गलत काम, किसी के साथ कोई बदसलूकी हमने की थी, कोई ऐसा काम हमने किया था जो हमें नुकसान दे सकता है भविष्य में, वो आज भुगतना पड़ सकता है, इसलिए हमेशा शुभ कार्य करिए, अच्छे काम करिए। वर्क प्लेस पर जो बड़े बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, उनको आपका काम समझ में आएगा, पसंद आएगा, लेकिन हमेशा आपके काम में कोई ना कोई कमी निकालने की कोशिश करता है, आज भी वो जारी रहेगा। बिजनेस में कुछ अच्छा करने के बजाय कुछ गड़बड़ हो सकती है, पैसा फंसना, नुकसान, धोखा, रॉन्ग इन्वेस्टमेंट हो सकता है, बी अलर्ट। आप अपने गुस्से, अहंकार, जुबान से कुछ कटु शब्द निकल सकते हैं जो आपके लिए झगड़ालू स्थिति बना सकते हैं, इससे आपको थोड़ा बच के चलना चाहिए। आपकी बहन आपकी समस्या को समाप्त कर सकती है, विश्वास करिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज मन नहीं लगेगा, डिस्टर्बेंस, डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया, पढ़ते वक्त या काम करते या खेलते वक्त कहीं कहीं भटकाव ज्यादा रहेगा। लव लाइफ और रिलेशनशिप में कोई बवाल मच सकता है। आप बहुत कमजोर और अस्वस्थ महसूस करेंगे। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़िए, आकृष्ट होंगे स्पिरिचुअलिटी तरफ, आगे लाभ ही लाभ मिलेगा। लकी कलर व्हाइट, नंबर 7 शुभ रहेंगे। मिथुन राशि, जीवन साथी और जीवन संगिनी के साथ संबंध बेहतर बनाइए, वातावरण को एक हल्का बनाने की कोशिश करिए, मजा आएगा। आपको कोई खबर बहुत अच्छी लग सकती है, आप रिएक्ट कर सकते हैं, लेकिन हर परिवर्तन, हर खबर आपके लिए ही हो ये जरूरी नहीं है, इसलिए हमेशा रिएक्ट करना जरूरी नहीं है। सेहत के मामले में दिन अच्छा है, एक्स्ट्रा और एडवांस काम किए जा सकते हैं, और अस्वस्थ नकारात्मक विचार वाले लोगों से दूर रहें। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ेगा। इस दिन आपकी कुछ परेशानियां खत्म या हल हो सकती हैं। धन लाभ और किसी प्रकार से प्रॉफिटेबल स्थिति, 2-3 बार ऐसे मौके मिलेंगे, धन कमा लें, रुके हुए धन को प्राप्त कर लें, काम को पूरा कर लें। इन मौकों को ऐसे ही जाया मत होने दीजिएगा। बिजनेस में और जॉब में सफलता मिलेगी और नई जिम्मेदारियां आपका इंतजार करेंगे। सोचे हुए ज्यादातर काम पूरे होने वाले हैं, लेकिन इसके लिए मौन रहना, लगातार प्रयास करना, डेडलाइन तय करना और टाइम को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट टूल होंगे। आज नौकरी पेशा लोगों को मन की बात करने, मन के हिसाब से काम करने, अपनी हॉबी, फैशन, पैशन को पूरा करने में, ऑफिस के वातावरण को अच्छा बनाने और रिलैक्स रहने का मौका मिलेगा। किसी से कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा करना, बहुत ज़्यादा टाइम तक कम्युनिकेशन करना, बातें करना, किसी बात पर लगे रहना टाइम को आज वेस्ट करेगा, इसलिए बेकार की गतिविधि, मूर्खों की सभा पर जाकर लीडर बन के भाषण देने का कोई काम नहीं करें। आपके कामकाज से अधिकारी खुश होंगे और जो लोग सिंगल हैं उन्हें अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं, शादी और सगाई की बात आगे बढ़ सकती है। लकी कलर ग्रे, नंबर 2 शुभ रहेंगे। कर्क राशि, आज दुश्मन आपके कौन है, आपको और आपके अपनों को कोई दुखी करने का, कोई परेशान करने के साथ साथ फ्रस्ट्रेशन के लिए कोई ऐसा काम कर सकते हैं जो आपके लिए डिस्टर्बेंस का कारण बन जाए, इससे बचिए। आपको खुली और दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से नई परियोजनाएं मिल सकती है। यदि आप फल की इच्छा रखते हैं तो आप अपने लिए अप्रिय स्थिति पैदा कर सकते हैं, इसलिए आप फल को छोड़िए, सिर्फ कर्म पर ध्यान देखिए। अपना खर्च और कर्ज कैसे कम किया जाए, कटौती की जाए, इस पर विशेष रिसर्च करके इंप्लीमेंट करना शुभ रहेगा। धन प्राप्त होने से ही ये सारे काम हो सकते हैं, इसके लिए आंख और कान खुले रखिएगा, शुभ समाचार धन को लेकर मिल सकते हैं। आपकी लव लाइफ और रिलेशनशिप शांतिपूर्वक रहे, इसके लिए आपको अगले की भावनाओं का सम्मान करना आना चाहिए। संवेदन जो बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल जो मुद्दे होते हैं, कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो पिंच करने वाले होते हैं, ऐसी बातों पर चर्चा आज नहीं करें। आपकी महत्वाकांक्षा, जो डिजायर विश है, वो आपकी पूरी हो सकती है, सिर्फ साइलेंट रहकर अपने काम के करने के तरीके से ही। पद की उन्नति, कुछ ऐसा होना जो आपके जो जॉब में कुछ तब्दीली लेकर आए और शुभ तब्दीली लेकर आए, इसके चांसेस ज्यादा है। यदि आप नौकरी की तलाश में, नौकरी में कुछ परिवर्तन की तलाश में हैं, तो 4:15 बजे के बाद अपने बॉस से बात की जा सकती है, आप सफल जरूर होंगे। आपके व्यक्तित्व में विकास होगा,
धीर गंभीर परिस्थिति बनेगी और आसानी से तो नहीं लेकिन इंप्रेस जरूर आप लोगों को कर पाएंगे। लकी कलर पिंक नंबर 4 शुभ रहेंगे। सिंह राशि, स्टूडेंट बनना है आज आपको, कितनी भी आपकी उम्र है लेकिन आप आज चीजों को सीखने, उसे अपडेट और अपग्रेड करने के लिए पहचाने जाएंगे और यह मौका आपको मिल रहा है, आप जरूर करिएगा। नई प्लानिंग पर काम हो पाएगा। रिश्तों के मामले में आपको बहुत संभल कर रहना होगा। नौकरी में काम करने के योग बन रहे हैं। आप काम करने के साथ साथ कुछ ऐसा भी करने जा रहे हैं जो दिल से जुड़ा हुआ है। कई बार पैशन और हॉबी सिर्फ हम फिल इन द ब्लैंक्स किसी फॉर्म में भरने के लिए रखते हैं लेकिन आज उसे अपनाने का दिन आ गया है। तो जो दिल कहता है वो काम जरूर करें और जो भी काम करें वो दिमाग से भी करें। कामकाज समय पर पूरे नहीं हो पाएंगे जिससे ऑफिस में एक वातावरण नकारात्मक भी बन सकता है, इसलिए चीजों को बैलेंस करिए पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को। मानसिक तनाव, अज्ञात भय और शारीरिक रूप से कोई परेशान आपको कर सकता है, बी अलर्ट। ऑफिस में अधिकारियों से मनभेद और मतभेद होने की पूरी संभावना है। व्यावसायिक मोर्चे पर कुछ जटिलताओं का सामना आपको करना पड़ेगा। अटके लटके और भटके हुए जो काम है उसके गाड़ी पटरी पर आने के पूरे आसार हैं। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज चुनिए कि आपका दिन कैसा हो, आज उसे चूज करिए जो आपका दिल कहता है, करिए मस्त हो जाएंगे। और चुस्त तंदुरुस्त के साथ साथ शक्ति अच्छी रहेगी, एनर्जी लेवल जिससे हम कहें वो अच्छा रहेगा और स्वास्थ्य अच्छा होने के साथ साथ एक्स्ट्रा और एडवांस में काम किए जा सकते हैं। किसी महत्वपूर्ण काम में देरी आपकी खुद की नेग्लिजेंस की वजह से होगी और उसे हटाने का प्रयास करिए। लकी कलर नेवी ब्लू नंबर 1 शुभ रहेंगे। कन्या राशि, जमीन और जायदाद की खरीद फरोख्त, बेचना खरीदना, रिनोवेशन, डॉक्यूमेंटेशन, इसके लिए आज का दिन शुभ है। व्यापार में बहुत कुछ हासिल करना चाहेंगे लेकिन अगर जल्दीबाजी में निर्णय लिए गए तो आपको नुकसान भी हो सकता है। वर्क प्लेस पर अपने कॉम्पिटिटर्स पर नजर रखना उचित होगा क्योंकि वे आपकी गतिविधियों को रोकने का प्रयास करेंगे। नौकरी में आपको कुछ चुनौतियां चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। अपने डर और चिंताओं को दूर करने के लिए परिवार में अपने दिल के सबसे करीबी पर आप भरोसा कर सकते हैं। लव लाइफ रिलेशनशिप में तनाव और कठोरता इसको हटाइए और प्यार इश्क और मोहब्बत की गंगा बहाते चलो। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स, सोच समझ के और विशेष रूप से अपनी स्किल को और डेवलप करते हुए आज पढ़ाई में मन नहीं लगा पाएंगे बल्कि ऐसा सोचेंगे जरूर, करने का प्रयास भी करेंगे लेकिन सोशल मीडिया है कि आपको करने नहीं देगा। जीवन साथी, लव लाइफ और रिलेशनशिप में धीरज धैर्य संयम, चेहरे पर मुस्कुराहट, जुबान में अच्छे शब्द और हाथ में एक छोटा या बड़ा कोई गिफ्ट आपका तो बनाएगा अपनों का भी दिन बना सकता है। लकी कलर क्रीम नंबर 3 शुभ रहेंगे। प्रिय साथियों, आइए 6 राशि के बाद बात करते हैं। घर में खुशहाली और सौभाग्य के लिए हम आज क्या कर सकते हैं। आज का दिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, माँ लक्ष्मी का दिन है। आज प्रातःकाल अपने स्नान आदि कार्यों से निवृत्त हो जाएं, भले 10 बजे या 12 बजे, वैसे 10:30 बजे से 12 बजे तक राहु काल भी है। लाल वस्त्र धारण करें और फिर दक्षिणावर्ती शंख लीजिए, अगर है तो ठीक है, नहीं तो कोई भी शंख लीजिए, उसमें जल भरें, थोड़ा सा उसमें चंदन डालें और इत्र परफ्यूम डाल दीजिए, फिर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का अभिषेक करें, धीरे धीरे चढ़ाएं और ऐसा चढ़ाते वक्त आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या उसे सुनना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा और इसी से माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान प्रसन्न होंगे और धन धान्य का आशीर्वाद आपको देंगे, कभी कमी नहीं आएगी। शाम के समय ईशान्य कोण में गाय के घी से लाल रंग के सूती धागे का दीपक जलाएं और सदैव परिवार में खुशहाली रहे, नकारात्मकता नहीं रहे, इसकी कामना करना बहुत शुभ रहेगा और 5 मिनट का विष्णु लक्ष्मी का ध्यान करिए, आपको सुखद समाचार जरूर मिलेंगे। तुला राशि, छोटा हो या बड़ा हो, भाई हो या बहन हो, कोई खबर खुश करने वाली रहेगी और आप ऐसी खबर उन्हें देने वाले हैं। नौकरी और बिजनेस में सितारों का साथ मिलेगा। किसी जटिल समस्या के समाधान में पिता, ग्रैंड पेरेंट्स, बड़े बुजुर्गों का सहयोग और आशीर्वाद आपके बहुत काम आने वाला है। आर्थिक स्थिति में भी सुधार होने की पूरी संभावना है। कहीं से धन प्राप्त होने और प्राप्त धन से कुछ स्पेशल होने की पूरी संभावना है। वर्क प्लेस पर कुछ अप्रिय घटनाएं जो हम नहीं चाहते हैं, ऐसी कोई सिचुएशन बन सकती है जो आपको चिंता में डाल सकती है। आपको चिंतन करना चाहिए और आपके लाइफ पार्टनर के बीच एक नई सुखद संधि हो सकती है। पुरानी बातों को छोड़कर नई बातों की तरफ आगे बढ़ने की संधि हो सकती है। छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करके दिल और दिमाग को हल्का करना बहुत शुभ रहेगा। इस दिन आपको कोई नया इनकम सोर्स मिल सकता है। जीवन में कोई बड़ी समस्या खड़ी नहीं हो और
भाग्य आपके पक्ष में हो इसके बारे में विचार जरूर करना चाहिए। लकी कलर गोल्डन, नंबर 4 शुभ रहेंगे। वृश्चिक राशि, चंद्रमा आज आपको संपत्ति का आशीर्वाद देने वाले हैं, वो पैतृक संपत्ति हो सकती है, स्व उपार्जित संपत्ति हो सकती है, इसकी खबर आपको बहुत खुश करेगी। बिजनेस में नई योजनाएं बनने के पूरे योग हैं, अचानक कोई बड़ा सौदा आपकी जो बिल्कुल डेडलाइन तय करने काम में, और ऐसा कुछ विचार जो इनोवेटिव क्रिएटिव आइडिया हो उससे आपको ये मिल सकता है सौदा। लाभ, ऑर्डर, टेंडर, कॉन्ट्रैक्ट से कॉन्ट्रैक्ट मिलना, ये सब संभव है, इसके लिए लगातार प्रयास करना बहुत शुभ रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को अधिकारियों से मदद मिल सकती है, काम की तारीफ होगी, सामंजस्यपूर्ण और खुशहाल दिन व्यतीत करेंगे, अपना और अपने परिवार के सदस्यों की कंपनी का आनंद लेंगे। आपके छोटे भाई या बहन की तरफ विशेष विचार रहने चाहिए, आप में से कुछ पेशेवर लोग लाभ कमा सकते हैं। व्यावसायिक सहयोगियों के साथ आपकी समझ ठीक रहेगी, घर से काम में चीजें सुगमता से आगे बढ़े, जीवन साथी, लव लाइफ और रिलेशनशिप में भावना और हमारे दिल का रिश्ता और गहरा हो, इसके लिए आज एकांत में बैठकर चिंतन करना, रिसर्च करना कि हम इसे बेहतर कैसे कर सकते हैं, और छोटी बातों को नजरअंदाज करने से ये संभव है, लाभ मिलेगा। लकी कलर ग्रीन, नंबर 6 शुभ रहेंगे। धनु राशि, सत्कर्म, पुण्य कर्म, स्पिरिचुअलिटी, दान, मदद करना, ये सब कुछ करने का आपका मन भी करेगा, अवसर भी मिलेंगे, चूकिएगा मत। आप अपनी पेशेवर गतिविधि यानी प्रोफेशनल विस्तार के लिए नई रणनीति बना सकते हैं। फाइनेंशियल लाभ के संकेत है, कुछ अच्छे इन्वेस्टमेंट के मौके आपको मिलेंगे, आपका व्यवसाय अच्छी तरह से आगे बढ़े इसके लिए भावुक बिल्कुल ना हो। अपच यानी गैस, एसिडिटी, कब्ज और जलन, ये कुछ परेशान कर सकती है, इस पर आप विशेष विचार करें। आपका खर्च कम हो, कर्ज कम हो, इसके लिए आमदनी बढ़ाने के लिए आपको इनोवेटिव आइडियाज जब आएंगे तो उसे इंप्लीमेंट करिए, अनुभवी लोगों से मिलिए और सकारात्मक सोच वाले लोगों से मिलिए, कोई नुस्खा आपके बहुत काम आ सकता है। पेशेवर मोर्चे पर यानी प्रोफेशनल फ्रंट पर चीजें आसानी से तो नहीं, लेकिन विशेष सकारात्मक सोच और कर्म से आगे जरूर बढ़ सकती है। वरिष्ठ लोगों से पारिवारिक संबंध सौहार्दपूर्ण रहेंगे, और जो बड़े लोग हैं, बड़े ओहदे पर बैठे हुए लोग हैं, उनसे वातावरण आपका सुखद बन सकता है। साथ में आपको आपकी कामयाबी से मिलने से कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इससे जलन रखते हैं, जो आपको नीचे गिराना चाहते हैं, जो आपको बदनाम करना चाहते हैं, आप उन लोगों से सावधान रहें और हमेशा ऐसे काम करें ताकि आपके हाथों से, आपके कर्मों से ऐसा कुछ गलत काम हो ही नहीं। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर से जो कम्युनिकेशन है वो शानदार होगा, और जो लव पार्टनर है उससे प्यार का इजहार जरूर होगा, लाभ मिलेगा। लकी कलर ब्राउन, नंबर 8 शुभ रहेंगे। मकर राशि, संपर्क बनेंगे, कॉन्टैक्ट से कॉन्ट्रैक्ट मिलना, विदेश या दूसरे जगह से लाभ मिलने के पूरे चांसेस हैं। नौकरी में किसी भी पेपर पर साइन करने, कोई डील करने से पहले कानूनी दस्तावेज और हर प्रकार से जांच परख करने के बाद ही आगे बढ़ें। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सोच समझ कर लें। कार्यक्षेत्र में बेकार की गतिविधियों में अपना समय और ऊर्जा बिल्कुल भी खराब न करें। व्यापार में आप अपने लक्ष्य तक तब ही पहुंच पाएंगे जब आपका मन स्पष्ट होगा। सामाजिक संबंधों को मजबूत करने की आवश्यकता है। परिवार में अतीत में की गई गलती के कारण या किसी की आपने जो इज्जत है उसे खराब किया हो, आत्मा को ठेस पहुंचाई हो, मन को कुछ चोट पहुंचाई हो, तो उसका आप आज खामियाजा भुगतेंगे, इसलिए हमेशा कोशिश करें कि ऐसे कोई काम नहीं किया जाए। संतान और बड़े बुजुर्गों की तबीयत खराब होने, घर के आसपास या दूर दराज में किसी की कोई दुखद समाचार की खबर आपको डिस्टर्ब कर सकती है। जीवन साथी और जीवन संगिनी के साथ बेहतर ताल्लुकात ही आपके लिए शुभ रहेंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को विशेष रूप से समझने की पूरी कोशिश करें, लाभ मिलेगा। आज आपको यह समझना चाहिए कि आपका लक्ष्य क्या है, और स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए ये समझना और उसके बाद आप उसके विपरीत क्या क्या कर रहे हैं उसे हटाना आज बहुत शुभ रहेगा। लकी कलर सिल्वर, नंबर 5 शुभ रहेंगे। कुंभ राशि, आपके नैतिक मूल्य, कर्तव्य, ऐसे काम जो आपको करने चाहिए, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपके जो परिवार के लोग हैं वो आपसे कुछ चाहते हैं, उन्हें करिए, नजरअंदाज मत करिए। आज कुछ सकारात्मक करना और सुनना बहुत शुभ रहेगा, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो गलत आपका इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं, पैसा फंसा सकते हैं, गैर कानूनी काम कर सकते हैं, तो ऐसे किसी काम से आपको बचना चाहिए। व्यवसायी लोगों को सामान्य से अधिक लाभ कमाने की पूरी संभावना है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए आज बहुत समझ बढ़ेगी। आप एक महत्वपूर्ण पेशेवर परियोजना के बारे में निश्चित रूप से आगे बढ़ रहे हैं।
और आप प्रैक्टिकल काम करिए, इमोशंस में आगे आज कोई डिसीजन मत लीजिए, वरना धन भी खर्च होगा, मन भी बेकार होगा और कर्जा भी बढ़ सकता है। आपका स्वास्थ्य अच्छा है इसलिए एक्स्ट्रा और एडवांस काम किए जा सकते हैं, दोस्तों से मदद मिलेगी, स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स को एक सकारात्मक दिन गुजारने में मदद मिलेगी, आपको अपने हिस्से से ज्यादा काम करना पड़ सकता है। लकी कलर ऑरेंज, नंबर 2 शुभ रहेंगे। मीन राशि, आज आपके खिलाफ कोई रणनीति या राजनीति खेल सकता है, आप अपना और अपनों का ख्याल जरूर रखिएगा। कामकाज में रुकावट आना एक सामान्य सी बात है, लेकिन उस रुकावटों से हम दिल पर बोझ ले लें वो गलत बात है। आपके लिए हर खबर जरूरी नहीं है कि कोई मायने रखती हो, लेकिन अच्छी खबर को निकाल लेना, बुरी खबरों को निकाल देना, यही शुभ रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को प्रोफेशनली तरीके से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, 2 बार मौके मिलेंगे कि आप अपने बॉस से मन की बात कह सकें, अपनी सैलरी बढ़ाना, जिम्मेदारी कम करना, ओहदे को बेटर करना, जॉब बच जाए इसके लिए प्रयास करना शुभ रहेगा। बिजनेस और ट्रेडिंग हो या मैन्युफैक्चरिंग, आज लाभ और तरक्की के नए ऑर्डर मिल सकते हैं। आपके और आपके भाई बहनों के बीच कोऑर्डिनेशन को अच्छा देखते हुए बाबा आपको खुशी जरूर मिलेगी। कुछ खास उपाय करने के लिए, कुछ खास काम करने के लिए आज आपको कोई प्रेरित करेगा और आपकी थोड़ी इमेज बेटर हो सकती है। जीवन साथी और जीवन संगिनी के साथ विनम्रता से बात करना, प्यार से बात करना बहुत शुभ रहेगा। रिश्तों में तल्खी के लिए आपकी जुबान खराब होना और कुछ एक्टिविटीज खराब होने के पूरे चांसेस हैं। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स ध्यान केंद्रित करने में सक्षम रहेंगे और आपके खान पान की जो एक्टिविटीज है उसे और बेहतर करना शुभ रहेगा। आपको अपने गुस्से पर, अहंकार पर, अपमानजनक मिथ्या भाषण करने पर विराम लगा देना चाहिए और शांत रहकर जो जवाब दिया जा सकता है वो मौन वो बोलकर नहीं दिया जा सकता है। लकी कलर येलो, नंबर 7 शुभ रहेंगे। प्रिय साथियों, कल मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था कि क्यों शुभ और मांगलिक कार्यों में नारियल फोड़ा जाता है। आपने देखा होगा कि गृह प्रवेश, नई गाड़ी लेना, बिजनेस हो, जॉब हो, किसी भी काम के शुभारंभ के लिए, श्री गणेश के लिए नारियल फोड़ा जाता है। इसीलिए पूजा पाठ और मंगल कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। स्पेशली हमारे हिंदू धर्म की परंपरा में नारियल सौभाग्यदायक है। नारियल भगवान श्री गणेश जी को चढ़ाया जाता है और फिर प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। नारियल सबसे पवित्र फलों में से एक है, इसीलिए इस फल को लोग भगवान को चढ़ाते हैं। इसकी ऊपरी सख्त सतह है, इस बात को दर्शाती है कि किसी भी काम में सफलता हासिल करने के लिए आपको मेहनत करनी होती है। नारियल एक सख्त सतह है और फिर एक नर्म सतह भी उसके अंदर है। इस पानी में, यानी नारियल के पानी में किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं होती है। इसका पवित्र जल जब चारों तरफ फैलता है तो नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। नारियल में मौजूद 3 चिन्ह भगवान शिव की 3 आंखें मानी जाती है। नारियल को संस्कृत में श्रीफल कहा जाता है और श्री का अर्थ लक्ष्मी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार लक्ष्मी के बिना कोई भी शुभ कार्य पूर्ण नहीं होता है, इसीलिए शुभ कार्यों में नारियल का इस्तेमाल किया जाता है ताकि श्री गणेश हो और लक्ष्मीवान बने, और लक्ष्मी वहीं रहेगी जहां सौभाग्य होगा और शांति होगी, समृद्धि होगी। इसलिए एक ही नारियल में कई तरह के रूप बसे हुए हैं। प्रिय साथियों, आज आपको यह पता लगाना है कि क्यों कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों लगता है यह शब्द, आप इस पर रिसर्च करिए। मैं इसका जवाब आपको कल कार्यक्रम के अंत में दूंगा। आपका शानदार दिन गुजरे, मनोकामना पूर्ण हो, एनर्जी लेवल शानदार रहे, इस उम्मीद, विश्वास और भगवान से प्रार्थना के साथ आप सभी से अब विदा लेना चाहता हूं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।